अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम मोहम्मद हसनैत थी। आज मैं आपको एक स्टोरी सुनाऊंगा। तो पहले हम आपको बताते हैं कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, लोगों के घर टूट रहे हैं, सैलाब आ रहे हैं हर शहर में। हम बलोचिस्तान में वहाँ पर भी सैलाब आया है। तो जो लोग गरीब हैं, उनके पास घर नहीं है, तो वो अल्लाह जी जिन हम भी उनके लिए अगर वो सदका देना चाहते हैं तो अब हम स्टोरी सुनाने लगते हैं। स्टोरी का नाम है अजनबी लोगों से दोस्ती। अब हम स्टोरी शुरू करते हैं। स्टोरी है, एक लड़का होता है, उसका नाम होता है फाइज। वो बहुत अच्छा बच्चा होता है, वो जो है ना हमेशा अच्छे लोगों से दोस्ती करता है और उनके साथ खेलता लिखता और पढ़ता है। तो एक दिन फाइज के दोस्त ने छक्का लगाया तो बॉल बहुत दूर चली गई। कभी कभार हम भी शॉट लगाते हैं, बॉल बहुत दूर जाती है। तो फाइज बॉल ढूंढने गया। तो जब फाइज मैदान के एक कोने में गया तो उसने देखा कि उसकी बॉल जो है वो एक अजनबी आदमी के हाथ। दोस्तों, तो इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि अजनबी लोगों से दोस्ती नहीं करनी चाहिए और ना ही किसी बड़े से दोस्ती करनी चाहिए। तो जो आपने जल्दी जल्दी ही मैं अगली वीडियो बनाऊंगा, उसके लिए आप तैयार रहना। और हमें मुझे और उन लोगों को जैसे जो सैलाब की वजह से मुश्किल में है उन्हें अपनी दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।